बिहार में सक्षमता परीक्षा देकर पास हुए और राजकर्मी बनने वाले शिक्षक अब डिग्री दिखाने से क्यों भाग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बड़े पैमाने पर बीपीएससी द्वारा टीचर्स बहाली होती है, 3 फेज में ये बहाली निकाली जाती है। और इतना ही नहीं, सक्षमता परीक्षा लेकर के तमाम उन शिक्षकों को राजकर्मी भी बनाया जाता है। लेकिन अब जब डिग्री दिखाना है, जब सर्टिफिकेट दिखाना है, तो ये शिक्षक भाग क्यों रहे हैं? आखिरकार क्या घोटाला है? इतना ही नहीं, अधिकारी जब इनका सर्टिफिकेट देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन इनमें शामिल होने वाले सैकड़ों नियोजित शिक्षक सर्टिफिकेट जांच से गायब हैं। मुख्यालय में गठित टीम ने बिहार के सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों की सूची भेजी है। जिलों को स्कूल में उनकी उपस्थिति देखने को कहा गया है। जांच से गायब शिक्षकों के फर्जी होने की आशंका है। सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच में टीईटी के एक रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थियों के अलग अलग जिलों में नौकरी करने का मामला आया था। जांच के दौरान एक ही रोल नंबर पर बहाल दोनों शिक्षक, जब टीईटी ही नहीं मैट्रिक और इंटर के भी एक ही सर्टिफिकेट लेकर आए, तो अधिकारी भी भौचक रह गए। दोनों अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी एक ही थे। ऐसे 50 से अधिक अभ्यर्थी धरे गए हैं। अकेले मुजफ्फरपुर जिले के आधा दर्जन शिक्षक इनमें पकड़ाए हैं। राज्य स्तरीय जांच टीम में शामिल एक अधिकारी बताते हैं कि एक रोल नंबर के 2 शिक्षक जो चिन्हित किए गए थे, उनमें जो शिक्षक जांच में आए उनके कागजात 2 स्तर की जांच में सही मिले हैं। उन्हें औपबंधिक क्लीन चिट दी गई है। बिहार में लगभग 600 से अधिक शिक्षकों की सूची जारी की गई थी। इन शिक्षकों को मूल कागजात के साथ मुख्यालय में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया था। दूसरे स्तर की जाँच में 53 शिक्षकों को औपबंधिक क्लीन चिट मिली है। अब तक 100 से अधिक अभ्यर्थियों को औपबंधिक क्लीन चिट मिल चुकी है। सभी 53 शिक्षकों की सूची जिलों को भेज दी गई है। जिला स्तर से एक बार और जांच कराने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। बता दें तो जांच टीम में शामिल अधिकारी बताते हैं कि सभी जिलों को सर्टिफिकेट जांच से गायब शिक्षकों की सूची भेजी गई है। ये शिक्षक स्कूल में हैं या नहीं, इसकी जाँच DO करेंगे। इनका सर्टिफिकेट जिलों में भी है, उसकी जाँच भी की जाएगी। DO की रिपोर्ट पर ही निर्णय लिया जाएगा। अगर स्कूल से शिक्षक गायब मिलते हैं तो उनकी फर्जी होने पर मुहर लगाई जाएगी। ये शिक्षक न जांच में आए और न ही स्कूल में हैं, तो ये माना जाएगा कि ये फर्जी हैं। तो देखिए, बिहार सरकार लाखों के पैमाने पर जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालती है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 तमाम परीक्षाएं निकाली जाती है और अभ्यर्थी पास आउट भी होते हैं। उसके बाद नियुक्ति पत्र लेकर तमाम अलग अलग स्कूलों में पद स्थापित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, इसके लिए सक्षमता परीक्षा ली जाती है। और अब सक्षमता परीक्षा दिए हुए तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके सर्टिफिकेट में घोटाला हो रहा है, जिसके बाद अधिकारी और पदाधिकारी भी उनका सर्टिफिकेट देख करके दंग रह जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।